पीपी सवाणी ग्रुप स्थापक श्री वल्लभ भाई सवाणी, श्री महेश भाई सवाणी, श्री रमेश भाई सवाणी, श्री राजेश भाई सवाणी। पीपी सवाणी ग्रुप का सामाजिक, शैक्षणिक और मेडिकल क्षेत्र में योगदान। सवाणी परिवार तरफ से समाज ना अनाथ बालकों, विधवा बहनों, एमनी शैक्षणिक चिंता, आरोग्य की चिंता અને સમાજ જીવનમાં પગભર અને સમાન ભેર જીવે એ પ્રકારનો એમનો જે પ્રયાસ છે એનો હું આવકારું છું, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। પીપી સવાણી ગ્રુપ કા સામાજિક યોગદાન। વયોત્સવ લાગણી કા સ્પર્શ કાર્યક્રમ કે અંતર્ગત પિતા કી છત્ર છાયા હોને વાલી 8400 બચ્ચો કો 10વી કક્ષા તક ઓર બેટીઓ કે ગ્રેજ્યુએશન તક અભ્યાસ કે લીએ દત્તક લેકર उनके अभ्यास की जिम्मेदारी भी ली जा रही है। जननी वात्सल्य का स्पर्श कार्यक्रम के अंतर्गत 8200 बेवा बहनों का दत्तक लेते हुए सामान्य से लेकर बाईपास तक मुफ्त चिकित्सा मिले, ऐसे आरोग्य सुरक्षा चक्र एनायत किए गए हैं। जननी धाम 35 कमरों वाले जननी धाम में माता पिता की छत्र छाया खो चुकी 1 से 14 साल की HIV पॉजिटिव 58 बेटियों को पीपी सवाणी ग्रुप से प्यार और दुलार मिल रहा है। पिता की छत्र छाया खोने वाली बिना किसी नात जात के भेदभाव के सर्वधर्म एवं जाति की 1001 बेटियों का कन्यादान करने का भगीरथ संकल्प जब पीपी सवाणी ग्रुप ने किया, उसी दिन से एक के बाद एक कन्यादान के सुनहरे अवसरों से पिता विहीन बेटियों के जीवन में फैला उजाला। विवाह 5 फेरों का। फरवरी 2013 में पिता विहीन 22 बेटियों के पिता बनकर कन्यादान और बहुओं को बेटी का दरज्जा देकर स्त्री भ्रूण हत्या रोकने का यह क्रांतिकारी प्रयास था 5वां फेरा। संबंध भवो भवना। दिसंबर 2013 में पिता विहीन 52 बेटियों के बाप बनकर जन्मों जन्म का रिश्ता बनाने का प्रयास। संबंध भवो भवना यानी रिश्ते जन्मों जन्म के। लागणीना वावेतर। नवंबर 2014 हिंदू और मुस्लिम जाति की पिता विहीन 111 बेटियों के जीवन में पीपी सवाणी ग्रुप ने की भावनाओं की बुआई। संवेदना एक बेटी की। दिसंबर 2015 में हिंदू बेटियों का विवाह और मुस्लिम बेटियों का निकाह करवाकर 151 बेटियों के जीवन में पितृत्व की संवेदना जगाकर विदा किया। दिकरी दिलनो दीवो। दिसंबर 2016 हिंदू मुस्लिम और ईसाई बेटियों के अपने रीति रिवाजों के मुताबिक 236 बेटियों के जीवन में पितृत्व का दिया जलाकर रोशनी प्रदान की। और अब दिसंबर 2017 में हिंदू मुस्लिम और ईसाई के साथ सभी जाति की पिता विहीन 251 बेटियों का भव्य लग्न समारोह पारेवड़ी। जियाणा। शादी के बाद डिलीवरी के खर्च से चिंतित पिता विहीन बेटियों की पहली डिलीवरी का खर्च की जिम्मेदारी निभाता है। पीपी सवाणी ग्रुप ने उरी और जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार के बच्चों को शैक्षणिक सहाय प्रदान की। लोक डायरो जैसा प्रोग्राम करके फंड से शहीद जवानों के परिवारों को आर्थिक सहाय की गई। पीपी सवाणी ग्रुप का शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान। समाज में छोटे से छोटे इंसान की संतान भी पढ़ाई से वंचित न रह जाए, इस हेतु 35 साल पहले शिक्षण संकुल की स्थापना की। अंतरराष्ट्रीय कक्षा की शिक्षा प्राप्त इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आधुनिक साधनों से सज्ज अलग अलग संकुल का निर्माण किया गया है, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा बच्चे विद्या प्राप्त कर रहे हैं। और अब 2016 में पीपी सवाणी ग्रुप ने पीपी सवाणी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जिसमें साइंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, मैनेजमेंट,
पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त की जाएगी। पीपी सवाणी ग्रुप का मेडिकल क्षेत्र में योगदान। पैसों के अभाव से कोई भी इंसान मेडिकल सारवार से वंचित न रह जाए, इस हेतु से पीपी सवाणी ग्रुप ने 100 बेड की आधुनिक चिकित्सा प्रदान करने वाली पीपी सवाणी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू की है, जिसमें आज हर रोज 2000 से भी ज्यादा मरीज सारवार ले रहे हैं। बेवा बहनों को छोटी से लेके बाईपास तक की बीमारी में मुफ्त सारवार दी जाती है। संकल्पों की सिद्धि और पुरस्कार, ऋण मुक्त होने के लिए और समाज सेवा हेतु किए गए काम ने पीपी सवाणी ग्रुप को बहुत सारे गौरव पुरस्कार और वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाए, जो पीपी सवाणी ग्रुप के कार्य के लिए प्रोत्साहक और सम्माननीय साबित हुए। दैनिक पत्र न्यूज चैनल श्री महेश भाई के समाजलक्षी, क्रांतिकारी और सेवा की अब महायज्ञ में प्रसिद्ध दैनिक पत्रों, न्यूज चैनलों एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनको दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। समाज सेवा और लोक कल्याण की ज्योत को सदाए प्रज्वलित रखने के लिए पीपी सवाणी परिवार हमेशा प्रयत्नशील है।